वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज. आज है सैटरडे का दिन और हम सारे फैमिली मिलकर जा रहे हैं एक फार्म हाउस पे, विच इज़ अ वेरी 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 ब्यूटिफुल प्लेस. और आई डोंट नो वेर इज इट, कहाँ है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज मेरा काम है सिर्फ जब बोलते हैं बाहर चलना है तो सिर्फ पैकिंग करो और चलो. हम तो है एकदम. तो यस फ्रेंड्स, आपको हम सभी से मिलाते हैं. हम सब रेडी हो गए, हमारी पैकिंग हो गई है, अभी हम सब मिलने की तैयारी, सॉरी, निकलने की तैयारी कर रहे हैं. तो यस फ्रेंड्स, आपको मिलाते हैं सबसे थोड़ी देर में. घर बहुत 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 ज़्यादा मैसी है बिकॉज हम सारे पैकिंग में लगे हुए थे, तो इसलिए सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है एंड हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं. तो सबसे मिलते हैं. ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं सिर्फ दो दिन के लिए और आप लगेज देख सकते हैं हमारे, इतने सारे लगेज. और ये लोग आउटिंग पे चले हैं लेकिन एड्रेस नहीं पता. एड्रेस पता है क्या? एड्रेस नहीं पता. ये देखो, आउटिंग पे चले हैं ये लोग और एड्रेस ही नहीं पता. हमें पता है, हमें सब पता है, पता है, ढूंढ रहे हैं. हम सारे 1.5 साल के बाद हम घर से बाहर निकले हैं ऐसे फैमिली ट्रिप पर और वी आर वेरी एक्साइटेड. पता नहीं क्या होने वाला, कैसे होने वाला है. वी हैव मेड सो मेनी प्लान्स, हमने इतने सारे प्लान्स किए कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे. तो यस, 1.5 साल के बाद जाए, थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि सैनिटाइजेशन वगैरह हर चीज़ को करके एंड देन यू हैव टू टच इट, यू कैन सी. मैंने हाथ में ही सैनिटाइजर कैरी किया है. 1.5 साल के बाहर जा रहे हैं तो यस, वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस ऑल्सो एट द सेम टाइम. पता नहीं कैसे होगा ये ट्रिप, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा. सो यस, अभी हमारी कैब आ रही है और फिर हम सब चलेंगे और आपको हम दिखाएंगे, हम आपको वो सारी जगह दिखाएंगे. इट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल. तो आपको लग रहा होगा कि भाई लकड़ी की कांटे ट्रिप पर कौन गाता है? जी, हम गाते हैं. जब आपके पास बच्चे होंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उन्हें शांत रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. और यहाँ पर आ गया हमारे सबसे फर्स्ट स्टॉप. देखिए मौसम कितना सुहाना लग रहा है, इतना अमेजिंग मौसम कि हमसे रहा नहीं गया आपको ये नज़ारा बताने के लिए. तो है ना ये नज़ारा ब्यूटीफुल. देखिए देखिए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितनी सुंदर जगह है. गाइस, ये जो जाने वाला रास्ता जो था, जिस रास्ते से हम जा रहे थे, वो इतना 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 ब्यूटीफुल था कि हम आपको क्या बताएं. जहाँ नज़र डाले बस वहीं हरियाली, चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली थी. और गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी ठंडी ठंडी अमेजिंग हवा चल रही थी, ओ माय गॉड, कि हम आपको बता नहीं सकते. और ये जो टनल था ना, ये टनल के अंदर जाते हुए तो हमारी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई. जब हम अपने दादा दादी के घर जाते थे ना गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए, तो ऐसे ही हम रोडवे से जाते थे और ऐसे ही टनल के अंदर घुस कर जाते थे. बाय गॉड गाइज, इतना मज़ा आ रहा था. हमने तो अपनी सारी बचपन की यादें इस टनल के अंदर, इस रास्ते पर हमने निकाल दी. आई एम श्योर आपको भी उतना मज़ा आ रहा होगा. और आप भी अगर ऐसे टनल के अंदर घुसकर मस्ती करते थे आपने बचपन में, तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा. इसी मस्ती के साथ गाइस हम पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पर. वाव, इट्स लुकिंग डैम 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 अमेजिंग गाइस. हाँ हाँ, हमारा लोकेशन तो जो था वो एग्जैक्टली डैम के सामने था. इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि आपको क्या बताएं. हेलो फ्रेंड्स, एट लास्ट वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन. हम पहुंच गए हमारी जगह पर जहां पर हमको आना था. एंड आई टेल यू फ्रेंड्स, इतनी ब्यूटीफुल जगह है. आई कैंट यू नो एक्सप्लेन इट टू यू कि इतनी 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 क्यूट जगह है. हम एक्चुअली बहुत हमको लेट हो गए आने के लिए बिकॉज जो हमारे ड्राइवर भैया थे वो हमको किसी और रूट पे लेके चले गए थे. हम किसी और जगह पहुंच गए थे, देन हमको फिर से लोकेशन चेंज करके हमको फिर से यहाँ पर आना पड़ा. एट लास्ट एट द एंड द गुड न्यूज इज हम पहुंच गए हैं. और मैं आपको अब दिखाती हूँ कि हम जो जगह पहुंचे हैं, दैट इज सो ब्यूटिफुल. लुक एट दिस,
एंड लुक एट दिस, ये है हमारा विला जहां पर हम रहने वाले हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारा जो रूम्स है, यहाँ का ड्राइंग रूम, एवरीथिंग हम आपको दिखाते हैं। ओ माय गॉड, इट इज सो ब्यूटीफुल, यू कैन सी, आप जहां पर भी देखेंगे यू विल जस्ट सी ग्रीनरी, ओनली ग्रीनरी। यहाँ पर हम बैठ के रात को बारबेक्यू करने वाले हैं, कुछ गेम्स खेलने वाले हैं, और ये रहा हमारा विला। ये देखिए, ये हमारे फैमिली मेंबर्स है सारे, हमारे घर के बच्चे, और वो हमारे घर का कुत्ता ऑब्वियसली नहीं है। सो ये है हमारा सीटिंग एरिया जहाँ पर मॉर्निंग में हम बैठ के हमारी कॉफी, हमारी चाय करेंगे, एंजॉय। और ये हमारा ड्राइंग रूम, ये आप देख सकते हैं, इट्स ब्यूटीफुल। ये हमारा सिटिंग एरिया जहाँ पर हम बैठ के हमारी गपशप और हमारी मस्ती करेंगे। वाओ, और ये हूँ मैं, ये हमारी भाभी जी, ये हमारी भाभी जी। यहाँ पे ऑलरेडी स्पीकर्स दे रखे हैं हम, हमें फिर भी हम लेकर आए हैं हमारा खुद का। और ये रहा हमारा किचन, ये है हमारे मौसा जी। हाँ सी जी, हेलो करो, स्टाइल में एकदम, हेलो हेलो, मूड क्यों ऑफ है आपका? और हम पहुंचने वाले थे लंच टाइम पे, पहुंचे हैं डिनर टाइम। अरे दे 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 दे, कोई नहीं, वी विल रिकवर एंड देन विल एंजॉय द रेस्ट ऑफ। हम एंजॉय करेंगे, जितना भी हमको लेट हुआ है हम सब कुछ रिकवर करेंगे। दिस इज मी एज यूजुअल, दिस आउटफिट ऑफ द डे, पप्पू एंड देन आइए आपको हमारा लॉन दिखाते हैं। ये है हमारा ब्यूटीफुल लॉन जहाँ पर हम आज बैठ के बारबेक्यू करने वाले हैं, और बहुत सारे जो हमने गेम्स किए हैं प्लान, हम वो गेम्स यहाँ पर खेलने वाले हैं। और मौसम थोड़ा सा बारिश जैसा हो रहा है, आई प्रे की बारिश ना हो, क्योंकि जितना भी हमने जो प्लान किया है वो सारा चौपट हो जाएगा। एनीवेज, अगर फिर हो भी जाता है तो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास और भी प्लेस है जहाँ पर हम खेल सकते हैं। और आइए, सबसे बेस्ट चीज जो फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं वो है इसका ये एरिया, यू कैन सी हम एग्जैक्टली डैम के सामने है, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल, एंड लुक एट द माउंटेन्स अराउंड। हम ना फ्रेश फ्रेश एयर एकदम ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ। यहाँ पे नो कोरोना, नो शोरोना, नो मास्किंग शास्किंग, कुछ नहीं लगाना है। यहाँ पर हम एकदम फ्रेश एयर ले रहे हैं। लुक एट द व्यू फ्रेंड्स, द बेस्ट पार्ट, सबसे बेस्ट पार्ट इज दिस डैम का व्यू, जो अभी हम कुछ देर में विल गो देयर, थोड़ा सा पानी के अंदर देखेंगे हम जाएंगे, अगर हमको अलाउ करते हैं तो, बिकॉज। और ये फ्रेंड्स, आपको एक और बात बता दें, ये जो फार्म हाउस है, ये है जो हमारी मासी है, जो आप जिनसे आप अभी जस्ट मिल चुके हो, ये मासी के जो बिजनेस पार्टनर है, ये उनका फार्म हाउस है। और हमको वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग, वी इंसिस्टेड कि हम लोग थोड़ा पे करेंगे, बट ही सेड नहीं, ये आपका फैमिली है और ये हमारा भी फैमिली है। ठीक है, एंजॉयिंग, ठीक है। हम कुछ खाने का सामान लेकर आए हैं, लाइक मैगी वगैरह, पास्ता एंड ऑल, एंड एट द सेम टाइम लुक एट द किड्स, दे आर हैविंग फन। सो मैं आपको मिलाती हूँ, ये है चिकू, चिकू से हाय, माय नेफ्यू, ये मेरे बड़े भैया है, ये उनका छोटा सा बेटा है, एंड शी इज कनक, शी इज माय नीज, एंड हियर कम्स कुकू, एंड हियर कम्स कुकू, कुकू आर यू हैविंग फन? एंड यस फ्रेंड्स, आपको एक बात बताना भूल गई हूँ मैं, यहाँ पर दीपा जी हमारे साथ मिसिंग है, बिकॉज शी वॉज अनवेल, उसको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, दैट इज द रीजन वो यहाँ पर आई नहीं है हमारे साथ। बट ये जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे, द फर्स्ट थिंग जो मैंने किया है, आई
मेड अ वीडियो कॉल और मैंने उसको सारी चीजें दिखाए एंड शी वॉज लाइक प्रीत सो ब्यूटिफुल कि हम फिर से ये ट्रिप करेंगे मे बी एक या दो वीक के बाद हम फिर से यहाँ पर आने वाले हैं बिकॉज इवन शी लव दिस व्यू इतना ज्यादा शी वॉज लाइक प्री अगर मैं बीमार नहीं होती तो शी वुड हैव बीन हियर नाउ विद अस बट यस दीपादी वी लव यू एंड वी ऑल आर मिसिंग यू लाइक एनीथिंग ओके स्पेशली द बच्चेस ओके दे ऑल आर मिसिंग यू एंड पायल दीदी इज मिसिंग यू मम्मा एंड मी ऑफ कोर्स माय पार्टनर शी इज नॉट देयर विद मी सो यस आई एम मिसिंग हर अ लॉट सो कोई बात नहीं है अभी थोड़ा सा हम होते हैं फ्रेश और उसके बाद हम थोड़ा सा थोड़ा यू नो थोड़ा कॉफी वगैरह पी लेते हैं चाय वगैरह पी लेते हैं और उसके बाद हमको आपको फिर से मिलते हैं थोड़ा सा रेडी होके और थोड़ा सा फिर से थोड़े मजेदार मूड में आपको थोड़े से गेम्स के साथ और थोड़ा फन के साथ ओके सी यू सून लुक एट दिस फ्रेंड्स हमको क्या मिला है आई डोंट नो व्हाट इज इट लुकिंग लाइक फ्लावर बट देखो एक नीचे आई डोंट नो व्हाट इज इट इसमें वो रहता है क्या बोलते हैं देखिए इतना ही क्या रहता है इसमें आई डोंट नो व्हाट इज इट इसमें क्या रहता है नहीं पता क्या है नहीं 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 फ्रेंड्स ये हमको पता नहीं है क्या है यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं यू कैन सी यहाँ पर फिर यहाँ पर भी बहुत बड़ा है बहुत सारे ऐसे गड्ढे हैं एंड वी डोंट नो कि ये क्या है तो प्लीज अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको बताइए अगर आप जानते हो तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स भी हैं हमसे मिलने आए हैं क्योंकि हम इतनी दूर से आए हैं ये देखो मैं उनके पास नहीं जाऊंगी बिकॉज मुझे थोड़ा डर लगता है ये देखो ये हमारे फ्रेंड्स है ये देखो हमारे दूसरे फ्रेंड इनके भी हम इनको भी हम बोलेंगे प्लीज फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए कमेंट कीजिए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता सी दे इग्नोरिंग मी इग्नोर कर करके कर करके करके जा रहे हैं Thank you.
किसने तोड़ा बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा अमान बना के छोड़ा कल की बात खुदानी जैन करो हम मिलके नई कहानी हम हिंदुस्तान जय करो हम हिंदुस्तानी लगते हैं।